हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। मैं हूं इमरान सैयद एंड एडोब फोटोशॉप की नई क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरेजर। जिनको टाइटल आपने चेक कर लिया होगा, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो फ्रेंड लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रखी हुई है और हमारे यहाँ पे टूल पैनल के अंदर जो इरेजर टूल है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से जब ई का बटन प्रेस करोगे तो इरेजर टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इरेजर टूल पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आप अपना जब राइट क्लिक करोगे इरेजर टूल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको तीन टूल्स जो हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। सबसे पहला है सिंपल इरेजर टूल, फिर है मैजिक इरेजर टूल और सेंटर में है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इरेजर टूल को। इरेजर टूल को जैसे ही हम एक्टिव करेंगे तो ऊपर सबसे पहले चेक कर लेंगे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और इसके ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है जिस तरीके से हमने अभी पिछला ट्यूटोरियल जो ब्रश टूल के हवाले से डिस्कस किया था, मैंने उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि ब्रश टूल को मैं अब लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके जो ऑप्शन हैं वो बाकी के जो टूल्स होंगे हम फोटोशॉप के डिस्कस करेंगे सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सिमिलर हैं ब्रश टूल वाले जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे। फिर भी थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पे काम ये कर लेते हैं कि एक नई सिंपल ब्लैंक लेयर बना लेते हैं, ठीक है। और ऊपर हमारे पास यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो जितने ब्रशेज़ हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ऊपर साइज़ है, नीचे हार्डनेस है और सेम जो ऑप्शंस हैं ब्रश के वो यहाँ पर आप अपने कैनवस पे जब आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस का, ठीक है, तो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास ब्रश के कुछ मोड्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ब्रश का सिंपल ब्रश मोड है, फिर पेंसिल का मोड है और फिर ब्लॉक का मोड है। सबसे पहले हम यहाँ पे करते ही हैं कि जो हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नॉर्मल लेयर के अंदर। तो डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिंपल ओके कर देते हैं, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। नॉर्मल लेयर पर कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर चेक कर लेते हैं हमारे पास मोड जो है वो तीन तरह के मोड हैं, ब्रश है, पेंसिल है, ब्लॉक है। तो ब्रश में आपके पास सिंपल जो है नॉर्मल जिस तरह से ब्रश आप इस्तेमाल करते हो, आप यहाँ से मैं फर्स्ट करें यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इरेज करता हूँ तो ये इरेज हो गया। इसी तरीके से मैं जब पेंसिल को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पेंसिल ने इरेज कर दिया। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एजेस का डिफरेंस है। थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो ब्रश के एजेस हैं वो सॉफ्ट हैं, ठीक है, और जो पेंसिल वाले इरेजर के एजेस हैं वो थोड़े से हार्ड हैं। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो एक और जो मोड है यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। इरेजर टूल को एक्टिव करते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्लॉक पे गए और उसका आप यहाँ चेक करोगे जो उसका शेप है हमारे कर्सर का वो चेंज होके हमारे पास ब्लॉक की शेप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। रिमूव करने का काम तीनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों के तीनों मोड के अंदर। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं याद रखिएगा कि ब्रश को। उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी है जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि क्या चीज़ होता है ओपेसिटी। फिर फ्लो है, क्या चीज़ होता है फ्लो, क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ हमारे ब्लश टूल के ट्यूटोरियल के अंदर। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मैं आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो जाके पहले चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर ओपेसिटी और फ्लो को समझाया है ताकि आपको वो पहले क्लियर हो जाए। तो मैं अगर हर ट्यूटोरियल में रिपीट करता रहूँगा तो जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट को वॉच कर रहा है यूज़र वो थोड़ा सा जो है बोर हो जाएगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो पहले जाके ब्रश टूल वाले ट्यूटोरियल को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फ्लो और ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मूथिंग है। स्मूथिंग बेसिकली जो है आपके पास जो आपके ब्रश है उसको आप कितना स्मूथली रफ़ कर रहे हो। अगर जैसे फिर ज़ीरो कर रहा हूँ तो मैं कितना स्मूथली रिमूव कर रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिएगा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ से एक कर्व में रिमूव करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी स्मूथनेस बढ़ाता हूँ 100 पे ले जाता हूँ और रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
थोड़ा सा जूम कर लें पहले। एक डिफरेंस ये आया है हमारे पास कि जब मैं रिमूव कर रहा था तो स्मूथनेस बढ़ाने के बाद आपका जो रिमूविंग है आपके कर्सर की वो स्लो हो गई है, मतलब वो जो मूव कर रहा है वो स्लो मूव कर रहा है, जबकि स्मूथनेस अगर ज़ीरो भी थी तो आपका कर्सर जो है बहुत स्पीड में रिमूविंग कर रहा था। सेकेंडली आपके पास जो इसके अंदर डिफरेंस आया है आप यहाँ चेक करोगे, ये वाला देखो आप यहाँ पे कितना स्मूथ आया स्मूथ को बढ़ाने के बाद, और इसी तरीके से जहाँ पर हमारी स्मूथ की वैल्यू ज़ीरो थी वहाँ आप चेक करोगे थोड़ा सा जो है अनइवन इस वो रिमूविंग कर रहा था। ठीक है, तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है स्मूथ के अंदर के जो है, अगर स्मूथ की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और नहीं बढ़ाते हो तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को बनाने में, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियोस के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि हमारे पास इरेजर टूल के अंदर और कोई इसके अंदर ख़ास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, जो मेन हम यूज़ करते हैं डेली यूज़ के अंदर फ़ोटोशॉप के अंदर, ज़्यादातर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ इरेजर टूल को यूज़ करो, लेकिन फ़ोटोशॉप ने अगर ये टूल दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। इसके अल्टरनेट में बहुत सारे ज़बरदस्त ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे पास फोटोशॉप के अंदर, जिनको यूज़ करके हम ऑलरेडी इरेजिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, इरेजर टूल के बाद अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास मैजिक इरेजर टूल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैजिक इरेजर टूल जो है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे मैजिक वैन टूल की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये रिमूविंग करने के लिए काम आता है और मैजिक वैन टूल जो है सिलेक्शन के लिए काम आता है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर चेक करना है कि मैजिक वैन टूल किस तरह काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो जाके उस लेक्चर को चेक कर लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैजिक इरेजर टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पे कर लेंगे कि हम एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लेते हैं किसी भी कलर की। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ येलो कलर की, लाइट येलो। ठीक है, और इसको मैं ले आता हूँ अपनी मेन लेयर ज़ीरो के नीचे। लेयर ज़ीरो को एक्टिव करेंगे और सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा यूज़र इसमें अक्सर जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसको मैं रखता हूँ 10 के ऊपर। ठीक है, 10 पे रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पर आपकी मेन कैनवस इमेज है किसी भी एरिया में जहाँ जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, फर्श करो मैं इस ब्लू स्काई को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली 1 क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं 1 क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टॉलरेंस जो है वो 10 थी। ठीक है, तो इसने इतना एरिया रिमूव कर दिया ब्लू वाला। येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली लेयर के अंदर हमारे पास सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर ऐड है येलो कलर की। इसको मैं अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ से इनविजिबल करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करोगे ट्रांसपेरेंट है। तो सिर्फ यहाँ पे रखने की वजह ये थी कि हमें पता लगे कि क्या चीज़ कितनी रिमूव हो गई है। इसको दोबारा से कंट्रोल जेड करके मैं अंडू करूँगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 50 पे ले जाते हैं फर्स्ट करें, और उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप यहाँ चेक करोगे कि कितना बड़ा एरिया इसने इस दफ़ा रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्लियरली अगर मैं आपको पॉइंट्स को समझाऊं तो पहले मैंने टॉलरेंस रखी थी 10, इसने छोटा सा एरिया रिमूव किया था, फिर मैंने जब 50 रखी है तो इसने बहुत बड़ा एरिया रिमूव कर दिया ब्लू कलर का। अब यहाँ पर क्लियर करने वाली चीज़ ये है कि मेरा जो कर्सर है जहाँ पर लाई कर रहा था वहाँ मैंने जब क्लिक किया है तो उस एरिए का इसने स्वैच उठाया है, उसका कलर कोड उठाया है और टॉलरेंस को उसके साथ मैच किया है। जितनी कम टॉलरेंस थी उतना एरिया या उतना कलर जो मैच हो रहा था जिस एरिए के अंदर उस टॉलरेंस के हिसाब से उसने रिमूव किया था 10 के टाइम पे। जैसे ही मैंने उसको 50 पर लेकर गया हूँ टॉलरेंस को और उस एरिया पर जाके मैंने क्लिक किया है जो मैंने इरेज करना था, तो उसने वो कलर कोड उठाया और 50 टॉलरेंस के आसपास का जितना कलर था उसने उसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप चाहो मजीद ये टॉलरेंस को आप खुद एडजस्ट करोगे अपने इमेज के हिसाब से, थोड़ा सा आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, जो टॉलरेंस मैच कर रही होगी इमेज के ऊपर आप वो अप्लाई करके अपनी इमेज को या अपने बैकग्राउंड को इरेज करोगे। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट कर मैं टॉलरेंस को और कम करता हूँ और इस एरिया को भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो आपके पास इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा टॉलरेंस के साथ खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी इमेज के साथ कौन सी टॉलरेंस जो है वो सही काम कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटीजियस का। ठीक है, अच्छा अभी ये ऑप्शन अनचेक था, अब मैं करता हूँ इसको चेक और इस टॉलरेंस को मैं दोबारा ले जाता हूँ 50 के ऊपर।
ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट कनेक्ट क्लिक करता हूँ। इसने क्या किया, मेरा इस वाले पार्ट को इरेज कर दिया, जबकि पिछली बार जब मेरे टॉलरेंस 50 था और कंटीजियस चेक नहीं था, तो उस टाइम पे इसने क्या किया था कि इस वाले पार्ट को भी रिमूव कर दिया था। ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको भी उसने रिमूव कर दिया था, जो कि हमारे इस वायर के बिहाइंड है। ठीक है, तो कंटीजियस बेसिकली करता ये है कि जब आपका कंटीजियस का ऑप्शन ऑन हो मैजिक इरेजर टूल के अंदर, जैसे ही जिस एरिया पे आप क्लिक करोगे, कंटीजियस अगर ऑन है और बीच में कोई भी पार्टीशन आ गया आपकी इमेज के अंदर, जिस तरीके से इस इमेज की एग्जांपल के अंदर आपके पास यहाँ पे ब्लैक वायर बीच में आ गया, तो इसने इस कलर को आगे मूव होने नहीं दिया, मैजिक इरेजर टूल को वहीं रोक दिया कि आप इस एरिया से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि कंटीजियस का ऑप्शन जो है वो चेक्ड है। तो इस ऑप्शन को मज़ीद समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक और इमेज रखी हुई है, उस इमेज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, उस इमेज पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास जो कंटीजियस का ऑप्शन है इसको हम चेक करके रखेंगे पहले। ठीक है, टॉलरेंस 50 रखेंगे और इस ग्रे वाले पार्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे कि यहाँ पर इसने ग्रे वाले पार्ट को बिल्कुल एक्यूरेटली रिमूव कर दिया, लेकिन जहाँ पर ये ब्लैक कलर आपको मिला है, ये जो ट्री आपको यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर में, तो जहाँ पर ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा था वहाँ तक उसने इस ग्रे कलर को रिमूव किया, उससे आगे एक्सीड नहीं किया, क्योंकि कंटीजियस का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चेक था। इसको कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंटीजियस को रिमूव करता हूँ या अनचेक करता हूँ। ठीक है, और मैं इस ग्रे वाले पार्ट पे आके दोबारा से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, अपनी लिमिट्स को एक्सीड करेगा, पूरी इमेज के अंदर जो कलर मैंने क्लिक किया था वो इसको जहाँ जहाँ मिलेगा उसको वहाँ वहाँ उसने उस 50 टॉलरेंस के साथ रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों के दोनों टूल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत आसान अल्फाज के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुआ है तो अभी के अभी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ड्रिल आप जानते हैं कि आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो के अंदर एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।